उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा का गठन किया गया। इसके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी एडवोकेट संजय कटारिया को दी गई। उनके अध्यक्ष बनने के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संजय कटारिया के साथ गुरु रविदास आश्रम पावली खास मेरठ पर गुरु रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया तथा तेजगढ़ी स्थित बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। रविदास महासभा के अध्यक्ष संजय कटारिया का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है। अपने दलित समाज को जोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे का कार्य करते रहेंगे। ये भी बताया कि उनका ये भी मानना है कि जितना कार्य कांग्रेस पार्टी ने दलित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जाति के लिए किया है शायद किसी सरकार ने नहीं किया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रॉबिन नाथ गोलूभाई अनिल शर्मा रविंद्र सिंह राजीव सहगल एडवोकेट संजीव कुमार हनी सिंह राम गोपाल अमन कुमार प्रवीण कुमार सुनील आदि उपस्थित रहे। आज हम लोग जो हैं शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा संत शिरोमणि रविदास महासभा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी है। इसीलिए हम बाबा साहब को नमन करने आए हैं, बाबू जगजीवन राम जी को नमन करने और गुरु रविदास जी को नमन किया आश्रम पर जाकर पावली खास। और जो पार्टी ने विश्वास जताया है तो उसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सन 1934 में बाबू जगजीवन राम जी ने गुरु रविदास महासभा का निर्माण कलकत्ता में किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने उसी कार्यक्रम को लागू किया है और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मैं सभी पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का सभी का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और आगे अपने समाज के साथ में दलित समाज के साथ में कांग्रेस पार्टी को लेकर हम लोग कार्य करते रहे।